बचे सियासी घमासान की। नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्षी विधायकों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद राजभवन के बाहर ही आरजेडी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मौके पर मौजूद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश खुद शराब माफिया हैं और शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार भी किया। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राम सूरत राय के भाई पर FIR होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि शराबबंदी कानून में यह नियम बनाया गया है कि जहां शराब बरामद होगा वहां थाना खोला जाएगा, लेकिन नवंबर में हुई इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय के स्कूल वाले बयान पर कहा कि राम सूरत राय झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री राम सूरत राय ने कहा था कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में स्कूल के हेडमास्टर के परिवार को भी जान का खतरा है, उन्हें तत्काल सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक चीज का हम लोग खाली इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी की बात में अगर थोड़ी सच्चाई है तो एक बार थोड़ा एग्रीमेंट दिखा दे, उसके बाद हम अपनी पूरी बात खत्म करेंगे। लेकिन पहली बार ये मामला है क्या, खाता का भी डिटेल होना ना चाहिए, पैसा आता होगा हर महीने, इनके भाई देते होंगे महेंद्र मंत्री जी के कहे अनुसार, और मंत्री जी के भाई के खाते में कहीं तो जाता होगा पैसा, तो उसका थोड़ा डिटेल हमको या सदन में जब ये चर्चा हो तो सदन में ही कम से। शनिवार को बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के बीच विपक्ष ने सदन में मंत्री राम सूरत राय का मामला उठाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद विपक्ष के विधायक विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने अध्यक्ष से मुलाकात कर कहा कि मंत्री राम सूरत राय के खिलाफ पूरा सबूत है, विपक्ष की बात सदन को सुननी होगी। विपक्ष के विधायकों ने चैंबर के बाहर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शनिवार को भारी हंगामा हुआ। लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में ही भिड़ गए। मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य वेल पहुंचे, जहां सत्ता पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद भारी हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई। वहां मौजूद मार्शलों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं मंत्री राम सूरत राय ने विपक्ष के लगाए आरोपों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जिस स्कूल का जिक्र तेजस्वी कर रहे हैं वो उनकी जमीन नहीं है, यह जमीन उनके भाई की है। मंत्री ने जमीन से जुड़े कागजात दिखाते हुए कहा कि अगर उनका भाई दोषी है तो इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मीडिया के साथियों से मेरा कहना होगा, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है, कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहा प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे,
अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे। जो बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष के राजभवन मार्च पर हम नेता दानिश रिजवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के खिलाफ वही लोग हैं जिनका इस कानून में स्वार्थ छिपा हुआ है। तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये वो हैं जो रावण होकर राम को उपदेश देने में लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अपनी एक अलग समस्या है। अब उस पार्टी में भ्रष्टाचार पे बयानबाजी करते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले खुद चल रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अब शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के सवाल उठा रही हैं रेखा देवी जी, जिनके ऊपर खुद शराब को लेकर के, अवैध कारोबार को लेकर के कई तरह के मामले दर्ज है। हमें लगता है ये लोग वो इंसान हैं जो रावण होकर के भगवान राम को उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहले अपने गृह बांध में झांके, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपने आप को पहले सुधार लें, तब किसी तरह का बयान दे। तो शनिवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद सदन के बाहर आए आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा ने जेडीयू विधायकों पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने जेडीयू विधायक जनक सिंह, संजय सरग और डॉक्टर संजीव कुमार का नाम लेते हुए कहा कि इनके खिलाफ वे हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज कराएंगे। और वह भद्र भाषणीय नेता तेजस्वी बाबू बोल रहे थे, उसी पर सत्ता पक्ष के लोग उठ के और गलत गलत भाषा बोलने लगे। हम लोग बगल में ही थे, इस साइड बैठे हुए थे। हमने उठ के उनको कहा कि हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल को बोलने का अध्यक्ष जी आदेश दिए हैं, आप इस ढंग के नहीं बोल सकते हैं। उसी पर वह हमको हमारे साथ गाली गलौज करने का काम किया और वह भद्र भाषा व्यवहार करने का काम किया। अगर जनक सिंह थे, संजय सराग भी थे और उसके बाद आपको जो है पर्वता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार थे, तमाम लोगों ने हमको जो है से मुसहर मुसहर कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से सदन चल रहा है वो बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि संविधान में डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है। तारकिशोर पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि सदन में मुझे बोलने से रोकने वाले वो कौन है। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब तेजस्वी बोल रहे थे तभी डिप्टी सीएम ने इसका विरोध किया था। अच्छा बताइए, जब स्पीकर ने 2 मिनट हमको समय दिया तो उप मुख्यमंत्री कौन है भाई रोकने वाले? Does he have any power? Or he has special power to dictate the speaker? This is a very shameful incident. अब आप समझ जाइए, ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पे हैं तो क्या हो रहा है? मंत्री ही शराब की बिक्री करवा रहा है, सबूत होने के बाद भी नीतीश कुमार असहाय। अब क्या पता क्यों ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा भाई, जवाब देने के लिए कोई होना चाहिए ना। ये मुद्दा गंभीर है। पटना में आरएलएसपी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में चल रहे इस बैठक के पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल राजनीति हलकों में इस बात के कयास लग रहे हैं कि रालोसपा का जेडीयू में विलय होने जा रहा है और इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राय मशवरा कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैकफुट पर आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। हेमंत ने कहा कि जेएमएम बंगाल में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगा, बल्कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ममता दीदी का साथ देने का काम करेंगे। दरअसल बीते दिनों हेमंत ने बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा, हालांकि सफलता एक भी सीट पर उनके हाथ नहीं लगी। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन, फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे
पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमर शहीद जुब्बा सहनी शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जुब्बा सहनी की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।